आखिर क्यों राजनीति में एक दूसरे की बलि दे देते हैं लोग। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात बिछते ही राजनीतिक दलों की हम बात करें तो एक चक्रव्यूह से तैयार होना शुरू हो गया है। उस नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जिसका दबदबा ज्यादा है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात बिछ गई है, लेकिन हर बार ये होता रहा है कि राजनीति के लिए कहीं ना कहीं बलि बहुत सारे लोगों ने दी है, और इसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि आखिर चक्रव्यूह की रचना कैसे शुरू होती है, आखिर क्यों राजनीति में एक दूसरे की बलि दे देते हैं लोग। बलि का मतलब ये कि अपने परिवार को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात बिछते ही राजनीतिक दलों की हम बात करें तो एक चक्रव्यूह से तैयार होना शुरू हो गया है। पिछले 3 दिन के भीतर सांसद हो, विधायक हो, इस स्तर के करीब 1.5 दर्जन नेता पाला बदलते हुए नजर आए हैं। झारखंड में सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड में देखिए देवरानी जेठानी का जो विवाद था वो हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने शिबू सोरेन के परिवार में ही सेंधमारी कर दी है और सारी तरफ आरोप भाजपा पर ही लग रहे हैं। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने 2 दिन पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल सीता सोरेन झारखंड के जामा से विधायक भी थी। सोरेन के इस्तीफे से संथाल परगना की राजनीति में नई सुगाहट शुरू हो गई, हालांकि देवरानी ने चैलेंज कर दिया है। सेंधमारी को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। आखिर वक्त में नेताओं के ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी परिवार को तोड़ रही है, बीजेपी के लिए ये पलटवार है। बीजेपी नेताओं को तोड़कर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की अपनी स्ट्रैटेजी कर रही है और ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी है बीजेपी की। देखिए, बुधवार की हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कह दिया था कि बीजेपी के लोग इसी भाषा को समझते हैं और इसी तरह की वो राजनीति करते हैं। वो परिवारों को तोड़ते हैं, भाइयों को तोड़ते हैं, बहनों को तोड़ देते हैं, साथ ही साथ परिवार में सेंधमारी करके, और ऐसे तमाम उदाहरण कांग्रेस ने कहा है कि हैं। इसलिए लगातार पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। देखिए, बीजेपी में पूर्व राज्यपाल से लेकर सांसद तक शामिल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड पर सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। पार्टी ने हाल फिलहाल में इन्हीं राज्यों में बड़ी ज्वाइनिंग करवाई है। तमिलनाडु की हम बात कर लें तो तमिलनाडु में पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सुंदरम ने बीजेपी का दामन थामा है। उनके थोडुकुट्टी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। ये सीट अभी डीएमके के कनीमोझी के पास है। इसके अलावा झारखंड की हम बात करें तो बीजेपी ने झारखंड में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को अपने पाले में ले लिया है। सीता के दुमका सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। दुमका सीट एक वक्त में सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता था, लेकिन परिवार में सेंधमारी करके बीजेपी वहां पर सोरेन परिवार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार के लोग जो टूट रहे हैं क्या इस बात को नहीं जानते? देखिए, राजनीति है, सब कुछ जायज है। यूपी के लालगंज से सांसद संगीता आजाद ने भी पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। संगीता 2019 में बीएसपी के टिकट से जीतकर संसद पहुंची थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस नेताओं का पलायन जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में करीब 8,500 बड़े और छोटे नेता बीजेपी में शामिल होंगे, इतनी बड़ी संख्या में। इसमें अधिकांश पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कमजोर यहां पर कांग्रेस को कर दिया है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत के करीबी नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में लिया है। इसमें लालचंद कटारिया और महेंद्रजीत मालवीय का नाम सबसे पहले नजर आता है। देखिए, कांग्रेस में 2 पार्टियों का विलय हुआ है, 2 सिटिंग सांसद भी आए हैं। चक्रव्यूह को मजबूत करने में कांग्रेस भी बहुत पीछे नहीं है, कांग्रेस भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी ने 20 मार्च को 2 छोटी पार्टियों का विलय करा लिया। इसमें पप्पू यादव की पार्टी जाप और लाल सिंह की पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन शामिल है। तो बीजेपी के बाद दूसरा नंबर आता है कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस का कुनबा धीरे धीरे घटकर भाजपा में शामिल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस भी मेहनत कर रही है कुछ छोटे छोटे दलों को अपने पाले में लाने के लिए।
पप्पू यादव का बिहार के सीमांचल में मजबूत जनाधार है, जबकि चौधरी लाल सिंह जम्मू में काफी ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा में बीजेपी के सचेतक जयप्रकाश को भी अपने पाले में झटक लिया है। पटेल के हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। जयप्रकाश के पिता टेकलाल पटेल झारखंड के कद्दावर नेता रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी के दो सिटिंग सांसदों को भी अपने पाले में ले लिया है। सबसे महत्वपूर्ण चुरू से सांसद राहुल कंसवा को तो पार्टी ने टिकट भी दे दिया है। हिसार से सांसद बिजेंद्र सिंह को भी टिकट मिलने की अटकलें अब तेज हैं। इधर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। दानिश गठबंधन के तहत अमरोहा से चुनाव लड़ सकते हैं। कुनबा मजबूत करने में क्षेत्रीय पार्टियां भी लगातार जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कुनबा मजबूत करने में क्षेत्रीय पार्टियां भी जुट गई हैं। बिहार में जेडीयू युवा सेल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुशवाहा बुधवार को आरजेडी में शामिल हो गए। कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी चुनाव लड़वाना चाह रही है। और इसी तरह देखिए, पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, कहाँ कहाँ चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमएलसी अमाशया पांडवी ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। तमिलनाडु में भी पूर्व सांसद पीडी एलंगोवन और पूर्व विधायक वीटी कालेसेल्वन ने सत्ताधारी डीएमके को ज्वाइन कर लिया। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी गढ़ मजबूत करने के लिए बीएसपी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने भी बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को अपने पाले में लिया है। लवली शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा चुनावी साल में नेताओं को अपने पाले में पार्टियां क्यों लेती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनेताओं के पाला बदल का खेल चुनाव के समय बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण है नए राजनीतिक परिदृश्य में जिताऊ उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह मिल रही है। अब ऐसे में चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां समीकरण को साधने के बाहरी उम्मीदवार को भी टिकट देने से परहेज नहीं करती। यही वजह है कि चुनाव के वक्त नेताओं का पाला बदलना बढ़ जाता है। इसके अलावा सीएसटीएस के मुताबिक 11% लोग उम्मीदवार को देखकर चुनाव में वोट करते हैं। 15% लोग मतदान के दिन ये तय करते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। 17% लोग कैंपेन के आधार पर मतदान करने का निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां मजबूत कैंडिडेट को ज्यादा तवज्जो देती आ रही है। इसके अलावा राजनीति में दल बदल का आंकड़ा ये है कि 2014 से लेकर 2021 तक विधायक और सांसद स्तर के 1000 से ज्यादा नेताओं ने पाला बदला है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2021 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। 2021 से 2023 तक विधायक और सांसद स्तर के करीब 200 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2021 से 2023 तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल बदल का खेल हुआ है। कांग्रेस में भी इस दरमियान नेताओं की आवाजाही जारी रही है। करीब 200 नेताओं ने इस दौरान ओल्ड ग्रैंड पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दल बदलू की सबसे पसंदीदा जगह एनडीए के सहयोगी शिवसेना और लोजपा जैसे दल भी रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी से पलायन सबसे ज्यादा हुआ है। तो आप समझिए, दल बदल की राजनीति क्यों हो रही है। उस नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जिसका दबदबा ज्यादा है, और सबका फोकस ये जीत और जीत के बाद अपना गढ़ बनाना। एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।